साहिबजादे का ट्रेलर है बहुत बहुत अच्छा लगा. ऐसे एपिक को रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन हैरी जी ने बखूबी निभाया है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म टू शो योर किड्स. और एक इंडियन ईथॉस है, एक हिस्ट्री है जो अटैच्ड है इस फिल्म के साथ. तो इट्स अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ कल्चर. और मुझे लगता है बच्चों को बहुत बहुत अच्छी लगेगी ये पिक्चर. एनिमेटेड है और आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट ऑन द गुरुज किड्स. एंड आई रियली एंजॉयड द ट्रेलर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. क्या वजह मांगती है कि आज भी इंडिया में एनिमेटेड फिल्मों को उस तरह से मिले जिस तरह से पिछले फिल्मों को लोग पसंद करते हैं? देखिए, इंडिया में बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और एक इतनी सच्ची कहानी हिस्ट्री पे अगर कुछ बनती है और एनिमेशन का का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दे कुड नॉट यूज रियल, दे कैन कुडंट बी अ ह्यूमन डिपिक्शन ऑन अ सब्जेक्ट लाइक दिस बिकॉज ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स. सो इट्स अ फिल्म विच इज डेफिनेटली अ स्टेप फॉरवर्ड, जहाँ पे जैसे शिल्पा ने कहा हम इट्स टेकिंग योर किड्स बैक टू द रूट्स व्हाट यू डोंट नो अबाउट. आजकल के बच्चे काफ़ी कुछ कहानियाँ जानते ही नहीं है, अपने रूट्स के बारे में कुछ जानते नहीं है. तो ये एक बहुत अच्छी तरह से कहानी का सब्जेक्ट, कहानी बहुत अच्छी है और उसे डिपिक्ट किया गया एनिमेशन के द्वारा. आई थिंक इट विल रीच आउट टू मोर किड्स एंड द यूथ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई लव्ड एवरी बिट ऑफ द ट्रेलर. सो आई होप दैट पीपल गो आउट एंड वॉच फिल्म्स, न्यू फिल्म्स, डिफरेंट फिल्म्स शुड बी मेड एंड द ऑडियंसेस शुड कम आउट एंड वॉच दीज फिल्म्स. तबू जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है ये ट्रेंड बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा. और ऑडियंस हर नए एक्सपीरियंस को वेलकम करने के लिए तैयार है, मुछे लगता है. इट्स ओके, सो आई थिंक ये भी ट्रेंड बहुत जल्दी बढ़ जाएगा. और कहानी अच्छी होगी तो फिल्म चलेगी जरूर. इसका इस ट्रेलर के साथ क्या लेना देना? तो नहीं कर, अरे एनिमेटेड पिक्चरों में हम कहाँ काम कर सकते हैं. हाँ वो शायद मैं करूँ. थैंक यू, थैंक यू, ये जरूर देखिएगा. थैंक यू. आखिरी सवाल, अगर बात करें फिल्म की, तो अगर एनिमेटेड ये फिल्म ना होती, अगर फिल्म में इसे बताया जाता तो ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा किया नहीं जा सकता है, स्पेशली फॉर द रिलीजियस सेंटिमेंट्स. और उन सब चीज़ों को हमें डेफिनेटली रिस्पेक्ट करके स्टिल कहानी बतानी है लोगों को. और एनिमेशन का बहुत बड़ा मार्केट है, पीपल लव टू सी एनिमेशन. एज आई सेड, इंडियन टेक्नीशियंस आर फैबुलस. आपने अगर ट्रेलर देखा है तो इवन एक इमोशनल कहानी है, और वो इमोशन एक एनिमेटेड कैरेक्टर के थ्रू इतनी अच्छी तरह से ट्रेलर में आपको नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली फिल्म में भी नजर आएगा. थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.